और गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जाति बिरादरी की राजनीति करती है, हम विकास की बात करते हैं और इस बार हम गौतम बुद्ध नगर से चुनाव जीतेंगे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। सभी पार्टियां जमकर कमर कस ली है, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद जी, आइए उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, जहां देखो वहां पर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पिछले 40 सालों में इस दौर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और लगभग 2.5 से 3 लाख युवा गौतम बुद्ध नगर में बेरोजगार है, तो हमारा पहला मुद्दा ये है। दूसरा, किसानों की लड़ाई लड़नी है, उनके मुआवजे की लड़ाई लड़नी है, किसानों से ज़मीन जबरन सरकार छीनना चाहती है, हम उनके साथ भी खड़े हैं। हम जो फ्लैट बायर्स हैं नोएडा में, जिन्होंने निवेश किया है, लाखों लोगों ने उनका पैसा जो है चला गया है, हम उनके भी हक में बात करना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं, एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके फ्लैट्स उनको मिले। महिला सुरक्षा का भी मामला है, स्कूल की जो फीस इतनी महंगी हो गई है, हज़ारों से लाखों रुपए में पहुंच गई है, हम उसके भी खिलाफ़ हैं, हम उसके लिए भी एक कानून लाना चाहते हैं ताकि जो स्कूल की फीस है उस पर सीलिंग लगाई जा सके। फिर एक मुद्दा प्रदूषण का भी बहुत बड़ा है, आप ठंड में देखते हैं कितना प्रदूषण हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, मुझे लगता है अगर हमने इसका निस्तारण नहीं किया तो जल्द तरह तरह की बीमारियां लोगों को लग जाएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रदूषण का भी खात्मा करें। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपका नाम पार्टी ने यहाँ पर घोषित किया था तो उस समय कुछ लोग नाराज भी हुए थे, तो उस चीज़ का चुनाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है? अब तो वो लोग साथ में हैं, आपने देखा होगा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वाद विवाद तो राजनीतिक प्रक्रिया है, कोई डिसीजन होता है तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी होते हैं, बट अब हम सब लोग एक साथ हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमको फ़ायदा मिलेगा, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। अच्छा, आप जो चुनाव में किससे टक्कर अपनी मान रहे हैं? हमारी देखिए जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो तो रेस से बाहर हो चुके हैं, बहुत लोग उनको बीजेपी का डमी प्रत्याशी भी बताते हैं, तो हमारी सीधी सीधी टक्कर बीजेपी से है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हम बीजेपी पार्टी से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, आज बिसड़ा ग्रेटर नोएडा दादरी में CM योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने बताया था कि जब प्रियंका वाड्रा जी अयोध्या गई थी तो वो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए इसलिए नहीं गई थी, उन्होंने कह दिया था कि ये विवादित भूमि है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमें जो ये लीडर्स हैं भटकाने का काम करते हैं, वो चिकित्सा की बात क्यों नहीं करते हैं, वो शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं, वो रोज़गार की बात क्यों नहीं करते हैं, हम सबको आपस में मंदिर और मस्जिद में क्यों लड़ाना चाहते हैं? ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोज़गार का, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है बेरोज़गारी का, मुद्दा है धर्म निरपेक्षता का, तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी की राजनीति है वो इसी प्रकार की है, लोगों को भटकाने की, लोगों को उकसाने की। सर, जनता का कितना समर्थन मिल पा रहा है? जनता से आप देख सकते हैं, रावी 10 बजने वाले हैं और भरपूर समर्थन है और खुशी भी हो रही है और हम लोग उत्साहित हैं कि इस बार जनता ने कमर कस ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से गौतम बुद्ध नगर से जीतेगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर मौजूद थे यहाँ पर डॉक्टर अरविंद जी, जिन्होंने बताया है कि इस बार जो पार्टी है हमारी वो जीतेगी और यहाँ पर पार्टी हमारी जीतने के बाद में यहाँ पर सत्ता में आएगी और यहाँ पर लगातार सभी दल अपनी अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं। नोएडा से कपिल चौधरी, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।